बहुत अच्छी लगी फिल्म। फिल्म के जो निर्देशक हैं वो मेरे बैचमेट हैं, तो मैं पहले इसका रफ कट भी देख चुका था और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। यही खूबी होती है क्रिएटिव लोगों की कि उल्टी परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच लेते हैं। तो आई थिंक राजेश ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ और वर्तिका जो एक्ट्रेस हैं वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। बट आई थिंक एक अकेली लड़की बम्बई शहर में, ये जो पैंडमिक हुआ जिसके लिए शायद मेरे ख्याल से कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी कोई स्थिति आएगी, उस स्थिति में कुछ एक आइडिया आना, क्रिएटिव आइडिया आना, और फिर राजेश ने उसके साथ डिस्कस किया, दोनों ने मिलकर उसकी स्क्रिप्ट लिखी और घर में बैठे बैठे ही मोबाइल फ़ोन से शूट करके ये फ़िल्म क्रिएट की। तो कम रिसोर्सेज में एक ग्रेट आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उसे एक स्क्रीन पर छाप देना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड वेरी सेंसिटिवली मेड फिल्म, आपको टच करती है इनर टर्मोइल को एक इंसान के जो इस सिचुएशन में किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। हमने बहुत ऐसे किस्से सुने हैं कि लोग बहुत डिप्रेस भी हुए, बहुत डिप्रेशन का शिकार हुए, लोगों को ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है। तो वो जो सारी चीज़ें, एक अकेली लड़की जो एक घर में बंद है, बाहर जा नहीं सकती है, बाहर उसके आसपास माहौल इतना डरावना है, एम्बुलेंसेज आ रही हैं घर के आसपास, यू नो शुरुआत के दौर में तो माहौल भी ऐसा कुछ था। तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू द टीम, बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। अरे मेरा क्या है, आज तो हम त्रिवेदी जी देखने आए हैं, बट हाँ मेरे कुछ और अच्छे काम आने वाले हैं। अभी तांडव रिलीज़ हुआ है, क्लास ऑफ 83 है नेटफ्लिक्स पे, उसके अलावा सत्यमेव जयते 2 एक फिल्म है जॉन अब्राहम के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है वो। उसके अलावा एक थ्रिलर है जो एक रात की कहानी है, मर्डर मिस्ट्री, वो है रात बाकी है उसका नाम है। तो ऐसे ही काम आते रहेंगे, लोगों को देखते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तारीफ कर रहे हैं लोग, और मतलब मेरे प्रयास किया है, और क्योंकि मैं तो एक एक्टर हूँ, डायरेक्शन में कभी कभी ऐसी कोशिश करता रहता हूँ, तो अगर लोगों को मेरा ये प्रयास सफल आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो ये फिल्म का आइडिया आया कैसे? ये लॉकडाउन के दौरान बनी हुई फिल्म है, मुझे पूरी तरह से हम लोग बंद थे और कोई चारा नहीं था, तो जो एक्ट्रेस हैं इस फिल्म की मुख्य, वर्तिका तिवारी, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक में, उस फेसबुक पोस्ट से मुझे ये आइडिया आया एंड आई कॉन्टेक्टेड हर, और फिर हमने वीडियो कॉल के थ्रू, जिसको हम रिमोट डायरेक्शन कह सकते हैं परहैप्स, आई डोंट नो दिस टर्म एग्जिस्ट और नॉट, लेकिन वो रिमोट डायरेक्शन में करके उन्होंने मोबाइल से ही शूट किया और फिल्म बनाई। देखिए मैं अभी तो फेस्टिवल्स में भेज रहा हूँ, 2-3 जगह फेस्टिवल्स में जाने वाली है ये, और बाकी देखता हूँ, थिएटर टॉकीज चैनल में तो आएगी। तो सर आपका ये जो थिएटर टॉकीज चैनल है, इसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप इसमें बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स और पोइट्री पे एक प्रोग्राम करता हूँ, चांद पे चाय और कहानियों पे एक प्रोग्राम करता हूँ जो अनूप सोनी करते हैं, सुनी अनसुनी स्टोरीज विद अनूप सोनी, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी की हैं, तो ये मेरी 7वीं शॉर्ट फिल्म है। और इस तरह से मतलब मेरा उसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि हम सब लोग काम करते रहते हैं, बीच बीच में खाली भी होते हैं, तो उस खाली वक्त भी हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर पाएँ, और उस खाली वक्त का एक क्रिएटिव इस्तेमाल हो जिससे हम अपने और एस्पेक्ट्स को डेवलप करें, जैसे मैंने एडिटिंग को इसमें ट्राई किया, एक्टिंग को के अलावा, और डायरेक्शन को, तो अपनी हम सब लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ें छिपी होती हैं ना, तो हम दोस्त मिलके करते हैं छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ। देखिए ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़िंदगी में एक फीचर फिल्म ज़रूर बनाना चाहूँगा। थैंक यू। अभी मेरी आने वाली फिल्म तो एक ही है जिसके बारे में बोल सकता हूँ, वो है पगलेट, और सीरीज़ मेरी मतलब जो की हैं उनके सेकंड सीजन्स वगैरह आने वाले हैं, और एक आध नई सीरीज़ मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, दो, एक नेटफ्लिक्स के लिए, एक हॉटस्टार के लिए, और एक फिल्म और शुरू कर रहा हूँ जिनके बारे में अभी बोलने की अनुमति नहीं है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं शायद बहुत
ये पहली स्क्रीनिंग है जो लॉकडाउन के बाद में मैं आया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी ऐसा लगा कि बहुत कुछ मिली जुली चीज़ें होती है ना, जो कि मैं भी डरा हुआ था जब मैं आया, क्योंकि लॉकडाउन ने सच में हम लोगों को सबको इतना डराया था, और डरना वाजिब भी था क्योंकि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये जो महामारी है, जो जिस तरीके से फैली, तो वही चीज़ इसमें भी देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ बहुत प्यारी थी, जो कॉमन थी, वो थी किसी चीज़ से प्यार होना। इनको त्रिवेदी जी से हुआ, अब वो त्रिवेदी जी कौन है, क्या है, वो मैं नहीं बताऊँगा, बट वही है। वैसे ही मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से प्यार हुआ लॉकडाउन के वक्त पे, जो मेरे दिल के करीब हुई, नई नई चीज़ें। तो और वो जो जिस चीज़ से हुआ वो इस फिल्म में भी था। मेरी आने वाली फिल्में तो एक मारीच है, जो जिसमें तुषार कपूर, नसीर सर ये लोग हैं और मैं हूँ, और इसके अलावा दिल्ली क्राइम सीज़न 2 है, जो राजेश सर के साथ में ही है। तो राजेश भैया के साथ काफ़ी टाइम पहले से मैं जुड़ा रहा हूँ, और बहुत सीनियर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और किस्मत से मैंने उनके साथ में एक शॉर्ट फिल्म और की थी, जो इसी बैनर के उसके थी, जिसका नाम था बिटवीन। तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फैमिली है और अपने लोग हैं, अपनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। इस फिल्म को वो लोग पसंद करेंगे जो इसको समझेंगे, तो वही है, ये समझने वाली चीज़ है, ये दिल वाली चीज़ है। सो वही चीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब जो हमने ये जिया, ये पूरा लॉकडाउन का जो दौर था, सभी के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर था, और सभी की कुछ ना कुछ कहानी होगी, तो मेरी भी एक कहानी है जिसको इत्तेफाक से मैंने शूट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वो सबके साथ बांट रही हूँ। तो दरअसल ये बात शुरू होती है कि मैं घर में अकेली थी और मेरे पास कोई और रूममेट कुछ था ही नहीं, तो मैं एक दिन सोच रही थी कि दिन दिन निकल जा रहा है और मुझे मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ। तो मैं देखती थी कि एक प्लांट है, सिर्फ सिंगल प्लांट, जो मतलब मेरे घर में मेरे अलावा जो सांस ले रहा है, तो मुझे लगा कि मेरे अलावा कोई है इस घर में जो जीवित है, तो वो त्रिवेदी है। तो त्रिवेदी नाम दरअसल ऐसे हुआ कि एक वो एक लाइन है ना सेकेंड गेम में कि सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, तो वहाँ से ये लाइन मैंने पिक किया, और मुझे लगता था कि ये त्रिवेदी है और ये सिर्फ बचेगा, मैं इस घर में रह के भी मर जाऊँगी यहाँ पे मुंबई में, जिस तरीके से चल रहा है। तो सर, या तो कैसा, मतलब दोनों चीज़ आती है, आपने एक्टिंग भी किया जी, फिल्म भी शूट करी जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको दोनों चीज़ को? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एक्टिंग करते रहे और थिएटर से मैं बिलोंग करती हूँ, और मीडिया में आके फिल्म में काम करना, ये बहुत ही ट्रांजिशन पीरियड बहुत अच्छा रहा। लेकिन कैमरा के टेक्निकलिटी के बारे में जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी, तो जैसे लोग कहते थे मैं एग्जैक्टली कर देती थी, तो ऐसा अभी तक चलता आया है। लेकिन कैमरे के साथ खुद से काम करना मुश्किल तो था, कि शॉट लगा के और कैमरा लगा के आना, फिर इधर एक्ट करना, फिर वापस जाके शॉट चेक करना, और कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरा एक्ट कर देती थी और कैमरा गिर जा रहा है, क्योंकि मैं डब्बे पे रख के मैं शूट करती थी, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो नहीं, इसके पहले भी मैंने काम किया है, एक फीमेल करके एक शॉर्ट फिल्म है उसमें किया है, और सर तो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, तो NSD में उनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छा, मतलब आई थिंक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमारा क्या कहते हैं आइस ब्रेक हुआ काफ़ी अच्छे से, बिकॉज पर्सनली देखा जाए तो हम लोगों के पास सिर्फ फ़ोन ही था, और फ़ोन पे हम सिर्फ इसी की बातें नहीं होती थी कि शॉट भी चल रहा है, रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी मैं फेस कर रही हूँ, और वो भी मुझे कि कोई है नहीं तो मैं सर को शेयर कर लेती थी, तो और कई बार ऐसा होता था कि हम खाना भी सेम टाइम पे बना रहे हैं, तो सर को आता नहीं था, तो मैं उनको बताती थी कि इतना नमक डालो, इतना आटा बनाओ, ये करो वो करो, तो इस तरीके का एक एक्सपीरियंस भी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ। बट अदरवाइज़ उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और एक्सपीरियंस्ड हैं तो ऑफ कोर्स मुझे गाइड करते रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फिलहाल तो कुछ है नहीं, एक MX Player का मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, और नेक्स्ट है एक
स्टिल मिसिंग करके एक इंडिपेंडेंट शॉर्ट, एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म पहले थी पर अभी उसको खींच के फीचर किया है और मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो नेक्स्ट मंथ उसका शूट है जयपुर में. तो लेट्स सी. थैंक यू, थैंक यू. हेलो, आपने ये फिल्म देखी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी मुझे फिल्म यार. मुझे एक क्योंकि हाय राहुल, आपने ये फिल्म देखी कैसी लगी? बहुत मज़ेदार फिल्म थी यार. 15 मिनट में मुझे पहली बार किसी पौधे से कनेक्शन हुआ है, मतलब पौधा भी नहीं बोलूँगा, एक तोहिन होगी उसकी, त्रिवेदी जी से मुझे एक कनेक्शन महसूस हुआ. और जो मेन एक्टर प्रोटैगनिस्ट थी इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम भी. और एक वापस एक आइसोलेटेड सा माहौल दिया इस फिल्म ने, जो हमने लॉकडाउन में महसूस किया था. काफ़ी नौजवानों ने किया है ये महसूस, एक जो अपने में ही एक बबल में आप चले गए थे, आप बहुत इनसिक्योर थे, फियर से बहुत ड्रिवन थे उस टाइम पे, और वो माहौल इसमें मिला उनके एक्टिंग की वजह से, उनके सर राजेश सर की वजह से डायरेक्ट किया है. तो बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म जी. फिल्म में बीच में एक डांस आया था, तो आप तो इतने अच्छे डांस करते हो, आपको क्या लगता है कि क्या और ऐसा डांस हो सकता था या कोई ऐसी जगह हो सकती थी? नहीं, वो बिल्कुल जितना था उतना बढ़िया था, ज़्यादा नहीं करना चाहिए. मिनिमम चीज़ अच्छी लगती है, वो जितना था उतना ही सही है. और वो मेन डांस ड्रिवन फिल्म नहीं है, वो कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, और प्लॉट ड्रिवन भी नहीं है बल्कि कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है. वो कैरेक्टर के इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं उसमें, जो कर रहे हैं. तो उसके बाद मेरे ख्याल से सायरन बजते हैं और नीचे वो जाती हैं देखने, तो काफ़ी उतना ही रखना चाहिए था. यार मेरा जो लॉकडाउन है वो बहुत ही, मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि मेरा जो लॉकडाउन वो बहुत ही अच्छा गया यार. बहुत दुख और दर्द था हमारे देश में उस दौरान. मैं अपने माँ बाप के साथ था, भाई बहनों के साथ था, दोस्तों के साथ था, तो मैं बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ. मेरा बोलना भी एक तोहिन होगा कि मैं इस बारे में बात भी कर रहा हूँ, ये बहुत गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ. बहुत दिक्कतें सही हैं यहाँ के लोगों ने, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लॉकडाउन बीता है. मैं देहरादून में था अपने घर में, उत्तराखंड में. तो जी यार, मेरा मन तो राजेश जी के साथ है काम करने का कभी, हालांकि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी फिल्म्स का नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ. जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो बता देंगे. थैंक यू. आई रियली लाइक द फिल्म, एंड स्पेशली लॉकडाउन में जब यू नो ऑल द आर्टिस्ट दे यू नो एवरीबडीज लाइफ वाज स्लो एंड दिस कम्स आउट. एंड आई रियली लाइक इन द फिल्म की जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हम रेगुलर जिंदगी में ध्यान नहीं देते हैं, कि भाई ठीक है एक चूहा ही आया है एंड उसको पहले मतलब उसके लिए वो लगाया ट्रैप, बट व्हेन ही इज़ नॉट देयर देन यू फील इट, यू नो बालों का गिरना. एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट, लाइक इट्स रिटन सो नाइसली कि आप एक पेड़ को नाम देखे एंड यू आर वरिड अबाउट द पेड़, एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड आई रियली लाइक द फिल्म. या अ लॉट ऑफ इट लाइक yes, like when in my society the first case was found, I was terrified, and I could relate when the actress is terrified and she's sleepless, because I was like, my parents are in with me, and if something catches and stuff like that, I could relate to a lot of. I really like the film. My experience of the lockdown was very, you know, little bit stressful, little bit here and there, but I could relate to film. And I one thing that I really like about the film, that it is very organic and the writing is very strong, because choti choti cheezon pe jo aapne dhyan sir ne dhyan diya hai, Telan sir ne and other co-writers ne, it's amazing. What are you feeling lockdown ke baad? Amazing, you can see star. Yeah now, because yeah, and in lockdown you think nothing happened, but now you get to see like so much creativity was happening and now it's coming out, so it's amazing. I am actually working on couple of features, so hopefully later this year I'll be shooting and something will be coming up. Anything we can know more about it? I wish I could have signed NDA, but yes, definitely very soon. Thank you so much. Have a great evening. So, aapne aaj Trivedi ji dekhi jo ki Rajesh sir ke
मैं तो राजेश जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम. आई एम फॉर्चुनेट के मेरी किस्मत है कि जब भी मैं उनको स्क्रिप्ट भेजता हूँ वो मना नहीं करते. एंड आई कंसिडर हिम, आई कीप टेलिंग हिम कि वो डिजिटल स्पेस के अमिताभ बच्चन है. हिज एक्टिंग इज सुपर्ब. एंड आई वॉज वेन ही इन्वाइटेड मी आई ऑलरेडी सीन द फिल्म, बट मुझे लगा कि आई शुड डेफिनेटली कम हियर टू सपोर्ट हिम. एंड इट्स अ वेरी वेल शॉट फिल्म एंड आई एम अ बिग फैन. व्हाट कैन आई से. अरे सर, इतना मुझे मतलब पानी पानी कर देते हैं हमेशा. बट मतलब इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद हिम. ये इनके जितना कोई एक्टर को मतलब कि फर्टाइल ग्राउंड देने वाला कोई मुझे डायरेक्टर नहीं मिला. आई थिंक ही गिव्स यू अ फर्टाइल ग्राउंड टू ग्रो टू इवॉल्व. थैंक यू सर. देख, मेरे को लगता है कि इट्स ईजियर फॉर अ वेरी गुड एक्टर टू डायरेक्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज स्पेशली अगर आप एक थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, लोग आपके एक्सपीरियंस का यू नो फ़ायदा लेते हैं, तो आई थिंक इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू रियलाइज वॉट एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट. आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर डायरेक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ गुड एन एक्टर इज़. एंड यू नो यू सी दैट over a period, maybe you've seen the films and stuff, but these guys have it inbuilt. And sometimes when I watch people like Rajesh ji act, I wonder how they can do it, because, you know, I'm the worst actor possible. But, you know, they take it to another level. And I think jo inhone ye kiya hai, jaise maine unko bataya tha ki edit itna acha hai, some of the shots are very good. Vartika ji ko maine ye pucha tha pehle ki wo kauwa kaise khada rakha apne itne din, kyunki hum itne karodon ki picture banate fir bhi kauwa khada nahi rehta udhar. So, you know, these minor details make a lot of difference. And it comes across in an artist when he's trying to portray something. Aur ye picture mein samajh aata hai her frustration. You know, she's talking to a plant, she's watching a lizard. You know, all that shows your frustration. You know, I always say that if there's a lizard in the room, it's impossible to sleep, because you can be attacked anytime or can come on you. You know, so these are little intricacies which only a director can think about, an actor can think about, a writer can think about. And all that has come across very beautifully on the screen. So I was very happy. I've seen it before and acha to I wanted to come and support him and congratulate him myself. Thank you, sir. Haan, mujhe pata. mere ko laga ki transition shots bhi bahut acche the, edit bhi bahut acha tha. जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी बहुत अच्छा था. एंड स्पेशली यू नो आई एम श्योर ही मस्ट हैव डिस्कस सम ऑफ द कैमरा एंगल्स. आई थिंक दे वर फैंटास्टिक. एंड लाइक ही सेड दैट शी डिडंट इवन हैव अ ट्राइपॉड. तो यू नो वी गाइज समटाइम्स गेट सो स्पॉइल्ड इन विद द थिंग्स वी आर गिवन दैट यू फॉरगेट हाउ सिंपल फिल्म मेकिंग इज. एंड दैट इज द अमेजिंग पार्ट अबाउट वॉचिंग मूवीज लाइक दैट, बिकॉज यू रियलाइज दैट फिल्म्स आर सिंपल एंड यू कैन मेक देम द वे यू वॉन्ट टू. बट एज यू गेट more and more experienced and as you get more and more spoiled, you know, you don't understand that filmmaking is actually very simple, and what you can do with five cameras you can do with a cell phone, and that's what comes across in the film. So aap next film sir ke sath kaun si kar rahe hain, aap karna chahte hain, kya hai? Main to unke sath har film karna chahta hu, kyunki ye unke paas option nahi hai. To kya crackdown mein mar gaye the wo, lekin maine mere writers ko bola ki Rajesh ji mar nahi sakte. हाँ, वो कभी मर नहीं सकते. तो आई विल बी वर्किंग विद हिम थ्रू आउट, बिकॉज आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनको मिला हसीना के टाइम पे. एंड आई रियलाइज व्हाट एन अमेजिंग एक्टर इज. एंड समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ आती है लाइफ में तो उसे जाने नहीं देना चाहिए. थैंक यू सर. सर कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट वगैरह मतलब मैं आई डोंट इवन मतलब आई डोंट हैव गट्स टू आस्क हिम, क्योंकि मुझे मालूम है ही विल डू जस्टिस to each and every actor, not only me. Somebody who is playing a small part, he does justice to everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. कैसा लगा आपको त्रिवेदी जी? सबसे पहली बात कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत ही अच्छी, वेरी टचिंग, बहुत अच्छी फिल्म है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि लॉकडाउन ने जो सबको दिया है कि इतने क्रिएटिव हो गए लोग, जिनको खाना बनाना नहीं आता था वो खाना बनाने लगे, जिन्होंने फिल्म शूट करना नहीं आता था उन्होंने घर में फिल्म शूट कर ली.
और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू. सो जब आपका कुछ और हिंड्रेंस नहीं है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन एक ही चीज़ पे होता है और वो कॉन्सेंट्रेशन इस फिल्म में दिख रहा है. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड थैंक गॉड. मतलब राजेश ने उसको रिमोटली डायरेक्ट किया और वर्तिका ने उसको शूट किया. हैट्स ऑफ टू देम एंड सच अ ब्यूटीफुल फिल्म रियली. सबसे अच्छा पार्ट द इमोशंस दे हैव प्लेड इन द विद त्रिवेदी जी, द कनेक्शन विद त्रिवेदी जी. और लास्ट में जो चेंज ओवर हुआ है त्रिवेदी जी को जब काट करके बनाया गया तो बहुत फील हुआ, हर्ट फील हुआ. मैं अभी एक वैसे ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकता हूँ. एक मेरी फिल्म है जो अभी 15 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, इरोस की फिल्म हाथी मेरे साथी, वो अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, थोड़ी देर बाद होगी. और मिर्ज़ापुर अभी आप लोगों ने देखा ही होगा. और अभी कुछ और वेब सीरीज़ में शूट करने जा रहा हूँ फरवरी में, और एक फिल्म अभी ऑलरेडी शूट कर रहा हूँ जो जल्दी देखने को मिलेगी. शुक्रिया. हाय, बहुत ही अच्छा लगा. राजेश तैलांग जी ने रिमोट डायरेक्शन किया है और एडिट किया है, और वर्तिका तिवारी जी ने एक्ट किया है एंड शूट किया है. और ये बड़ा ही नॉस्टैल्जिया, बहुत ही पॉजिटिव सा वर्ड है लेकिन नॉस्टैल्जिक ही था देखना, बिकॉज वो जो फेज था बिटवीन मार्च टू मे लॉकडाउन के दौरान, और अकेले रहना, खाना बनाना एंड एवरीथिंग दैट साइकोलॉजिकली अ पर्सन गोज थ्रू, जिस तरह से दिखाया है, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स जो हम सालों साल देखकर इस टाइम को याद करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक द फिल्म इज़ अबाउट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर है. और जैसा राजेश जी ने अभी क्यू एन ए के दौरान बोला, इट्स अबाउट को एग्जिस्टेंस, टू को एग्जिस्ट विद नेचर. एंड आई थिंक आप एज एन इंसान आप बहुत ही सेल्फ अवेयर हो जाते हैं जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में आप बंद रहते हैं. यू नो, आप विपसना जा सकते हैं, रिट्रीट्स जा सकते हैं, बट यू आर स्टिल अवेयर. बट यहाँ पर यू आर फोर्स टू जस्ट बी बाय योर सेल्फ. वहाँ तो फिर भी आपको खाना मिल जाएगा, यहाँ खाने की भी तंगी है, लोग भी नहीं है. ये हुई फिल्म की बात. बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू द टीम. ये सारे बोल रहे थे कि ऑफलाइन ये बहुत कम मिले हैं, शायद पहली दूसरी बार ही मिल रहे हैं. दे हैव वर्क ऑनलाइन मोस्टली एंड वंडरफुल. आई थिंक एक नया तरीका मिल गया लोगों को फिल्म बनाने का. एंड ना सिर्फ फिल्म की स्टोरी ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बताया, बट इस फिल्म का एग्जिस्टेंस ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. एक सर्वाइवल पर है क्योंकि यू वॉन्ट टू मेक अ फिल्म एंड दिस इज़ वॉट यू हैव. यू आर लॉक्ड एट होम और आप ऑनलाइन शूट कर सकते हैं, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी यू कैन एक्सचेंज फाइल्स एंड डू थिंग्स. आई थिंक वो बाई इट्स सेल्फ बहुत ही इंस्पायरिंग और यू नो एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द आर्ट उसे दर्शाता है. एंड वंडरफुल राजेश जी की मैं बहुत एडमायरर हूँ एज एन एक्टर, राइटर और अब एज अ फिल्म मेकर भी. तो वर्तिका ने भी बहुत प्यारा काम किया. शी इज़ सच अ वंडरफुल एक्टर एंड शी इज़ सो ब्यूटिफुल. सारा कुछ खुद करा है, शूट खुद से करा है, और एक टीम वर्क ना दिखता है क्योंकि कई बार होता है आप टीम में काम करते हैं लेकिन फिल्म बैठता नहीं, और यहाँ पर टीम्स अलग थे और फिल्म बैठ गया. आई थिंक इट जस्ट शोज़ द कमराडरी ऑफ द टीम. म्यूज़िक, फॉली, जो भी थिएटर टॉकिस के हैं सबको मेरा बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड. आई होप ये फिल्म जल्दी अच्छे प्लेटफॉर्म पर है और दुनिया देखे, सब देखे. थैंक यू. नेक्स्ट अभी जामुन आ रही है 4 दिन में, 21 जनवरी को इरोस पे जामुन देखी. उसमें मैं, रघुवीर यादव और सनी हिंदुजा, कृष्णा, सौरभ, हम सारे हैं. गौरव मेहरा के डायरेक्शन है एंड अभी फ़िलहाल फर्स्ट रिलीज 2021 की हुई है. मुझे ये एक बहुत ही बेहतरीन एफर्ट लगा. राजेश दा मेरे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और मतलब जब लॉकडाउन में सब लोग फंसे हुए थे अपने अपने घरों में तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी नेगेटिव थॉट्स को, आप मतलब वो आपको डोमिनेट करें और आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ें. लेकिन उस टाइम को, उस स्पेस को और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ करके कोई एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट कैसे बना सकता है, ये फिल्म उसका एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है. मैं मतलब बहुत ही क्रिटिकल नज़रिए से फिल्में देखता हूँ, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो. मुझे इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं चाह के भी कुछ कमियाँ निकालूँ, क्योंकि वो सिर्फ कहने वाली बात होगी कि
पिन पॉइंट करना है तो कर दिया, लेकिन इसमें मुझे कुछ भी कमी नहीं लगी। एक बहुत ही बेहतरीन 15 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है जो अपने आप में एक आइसोलेशन में फंसे हुए एक इंसान की दिनचर्या को, उसकी ज़िंदगी को, उसके कॉन्फ्लिक्ट को और सर्वाइवल जो एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग कुछ भी किसी भी हद तक जाते हैं उसको दिखाती है। बहुत बेहतरीन एफर्ट है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और राजेश दा ने कमाल का रिमोट डायरेक्शन जो किया है वो भी बहुत अच्छा है। मेरी आने वाली एक फिल्म है मेरे देश की धरती, जो कि लॉकडाउन से जस्ट पहले ही शूट होकर ख़त्म हुई थी और हम लोग उसको चाह रहे हैं कि थिएटर में ही रिलीज़ करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे डायलॉग है जो अभी हम त्रिवेदी जी फिल्म देख के आए हैं और जिस डायलॉग के थॉट से ये टाइटल रखा गया है, वो डायलॉग था कि सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ और मेरे लिए वो त्रिवेदी सिनेमा है। तो हम कितना भी अभी बहुत उछल कूद मचा ले OTT की इसकी उसकी, फेज हैं, आते हैं जाते हैं, मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ये हम एक उतार के दौर से गुजर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, सिनेमा वापस से अपने उसी रंग रूप और शान शौकत के साथ वापस आएगा। तो मेरी फिल्म सिनेमा में ही आएगी और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।